एवरेज टैक्सी ड्राइवर वीकली वीकली जो है 1400 पाउंड का काम करता है। अच्छा 1400 पाउंड, ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? मैक्सिमम 1700-1600 पाउंड का। टैक्सी प्लीज टू एडिनबरा सेंट्रल स्टेशन प्लीज। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक? 5 मिनट्स। ओके दैट्स फाइन, थैंक यू वेरी मच, बाय। वैसे मुझे 100% यकीन है कि टैक्सी ड्राइवर कोई अपना पाकिस्तानी या इंडियन ही आएगा, और अगर अपना पाकिस्तानी या इंडियन आ जाता है तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं उसे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ कि वो पर मंथ कितना कमा लेते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, और दूसरी बहुत सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो देखते हैं कौन आता है। मोहसिन, how are you brother? I'm good sir, I'm good. Central station? Yeah, yes. Okay, no problem at all. What's your name brother? My name is Salman, my friend. सर आप अगर इजाज़त दें तो आपसे कुछ आपके टैक्सी के मतलब कुछ सवाल पूछ लो। हाँ जी बिल्कुल, पूछे ना जी, क्या पूछना है? ये बस जनरल से सवाल होंगे कि आप कितना को कमा लेते हैं, और ये टैक्सी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कुछ फ़ायदा है कि नहीं? भाई जेब शेप काटने की आदत नहीं नहीं जी बस यही यूट्यूब पे कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि ना टैक्सी के मतलब। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा बिजनेस है अपने, ज़्यादातर वैसे यहाँ पर जितने पाकिस्तानी हैं, अब आप हिसाब लगाएं ऑलमोस्ट 85% पाकिस्तानी सारी टैक्सी चला रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि जो पुराने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, अब इंग्लिश उन्हें बोलनी आती को नहीं, यस नो आए हैं आते हैं, मैप को रीड करना आता है बस सेटन आपको, वो उन्हें यही होता है वेयर इट गोइंग टू, नाम डाला लोकेशन डाली पहुँच गए भाई, तो उनके लिए बहुत अच्छा, और ऊपर से पैसों के वाले से भी बहुत अच्छा बिजनेस है। गुड सर, यूके है आपको कितनी देर हो गई है? यूके भाई जी मैं तकरीबन 6 साल से हूँ इधर यूके में। गुड, अच्छा माशाल्लाह। सर वैसे जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में होता है कि सुबह आपने टैक्सी बिजनेस स्टार्ट किया तो सुबह सुबह आपने तलावे चला ली, 12 बजे तक कवालियाँ लगा ली, और उसके बाद हनी सिंह के गाने, आप भी उसी तरह करते हैं? बिल्कुल, अब सुबह देखें, आज मैं उठा था सुबह 5 बजे उठा था, उठ के मैंने नहाया नहा के मैंने नमाज पढ़ी है, नाश्ता किया, गाड़ी स्टार्ट की, तलावत लगाई है, शुरू तो ऐसे ही होता है दिन का, तलावत अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, उसके बाद कवालियाँ चल जाती हैं, नसर खान साहब को सुनते हैं, वो मुझे जॉब आ गई, फिर कस्टमर को उठाया मैंने हल्की कर दी कवालियाँ, उसके बाद फिर जब मैंने कस्टमर उठा रहा तो चलो फिर उसके बाद थोड़ी देर गाने लगे हुए थे, अभी आपको उठाने से पहले बेबी डॉल में सोने नहीं लगा हुआ, यही होता है हमारा पूरा दिन, क्या करें। अच्छा सर, अब मैं आपसे ना टैक्सी के मतलब सवाल करने लगा हूँ, तो सर एक दफ़ा कह दें कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल सर, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, इंशाल्लाह सच बोलेंगे। अच्छा सर, कब से चला रहे हैं टैक्सी? सुबह से नहीं सर, मेरा मतलब कितनी देर हो गई, कितने सालों से चला रहे हैं? कितना टाइम हो गया? अच्छा तो ये मुझे तकरीबन 3 साल हो गए टैक्सी चलाते हुए, 3 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, टैक्सी बिजनेस कैसा है? कुछ कहते हैं इसे करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं, कुछ कहते हैं इसमें फायदा नहीं है, तो आप बताएं। इसमें देखें, अगर आप टाइम दे सकते हैं ना, अच्छा, इस काम को, तो इसमें बहुत पैसा है, बहुत ही ज्यादा पैसा है, तो अगर आप टाइम नहीं दे सकते इसमें तो फिर फायदा नहीं है इसको करने का, क्योंकि इसके अंदर जो है असल में अगर आप टाइम इसको दें ना, एवरेज टैक्सी ड्राइवर वीकली जो है 1400 पाउंड का काम करता है। अच्छा 1400 पाउंड, ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? मैक्सिमम 1700-1600 पाउंड तक जाता है। 1600 पाउंड मतलब वीकली 1600 पाउंड? सर सिर्फ फ्राइडे नाइट को ही हम सिर्फ 350-400 पाउंड बनाते हैं एक दिन। वेल डन। और सैटरडे को आप डिपेंड करता है आप काम कितना करते हैं, मैं देखें फ्राइडे को मैं 12 घंटे काम करता हूँ, सैटरडे को मैं 14 घंटे काम करता हूँ। अच्छा, फिर इसमें आवर्स काफी लॉन्ग है? आवर्स लॉन्ग है, और आपका अपना काम है, जब दिल करे स्टार्ट करो, जब दिल करे बंद करो। अच्छा, तो ये मैं है आपको अंदर की बात बता देता हूँ, वैसे कोई बताता तो नहीं, लेकिन मैंने अलग क्रम से ये सैटरडे गुजरा है। अच्छा, तो सैटरडे को मैंने 400 पाउंड का काम किया, सिर्फ एक दिन का। एक दिन का गुड, मैं टारगेट रखता हूँ कि भाई मैंने फ्राइडे को 300 बनाना है, 300 बन गया अल्लाह का शुक्र अदा किया सीधे घर, ज्यादा लालच नहीं करनी। अच्छा, सैटरडे को 400 बना घर, कभी कम भी बन जाता है लेकिन वो भी अल्लाह की देन है, उसमें भी शुक्र करे बंदा और घर पहुंचे सीधा, क्योंकि आप 12 आवर जब गाड़ी आप चलाते हो ना उसके बाद आप थक जाते हो, उसके बाद यू बिकम अ डेंजरस ड्राइवर, ठीक है, आप टायर्ड हो, यू डोंट वांट टू क्रैश योर कार, हाँ आप टायर्ड हो, जस्ट गो होम, आज नहीं हुआ काम कल कर लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने बताया 1600 पाउंड से लेके कितना मैक्सिमम आप जा सकते हैं?
1700-1800 चले सर इसमें ये तो चले आपने बता दिया, इसमें वीकली एक्सपेंसेस क्या क्या हैं फिर? एक्सपेंसेस इसमें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि सिर्फ इस गाड़ी को मैं आपको मंथली बताता हूँ, सिर्फ गाड़ी को रोड पे चलाने के लिए ना यू नीड 2500-2700 pounds एवरी मंथ बिफोर यू मेक एनीथिंग। अच्छा जी 2500 कर लो मिनिमम, आप इतने आपको चाहिए होते हैं मंथली सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए। अच्छा उसमें आपकी रेडियो फीस आ जाती है, रेडियो के पास 600 pounds रेडियो को देना होता है, 900 pounds का मैं डीजल डालता हूँ मंथली। अच्छा फिर उसके बाद गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जो 318 pounds मेरी इस गाड़ी की, अच्छा वो मंथली देनी पड़ती है। फिर गाड़ी की इंश्योरेंस, आई एम यंग, मैं 26 years हूँ तो मेरी इंश्योरेंस काफी एक्सपेंसिव है। अच्छा तो ये कोई होता है कि एक्सपीरियंस ड्राइवर की कम होगी इंश्योरेंस और इससे बहुत फर्क पड़ता है? अच्छा लाइक जितना आपका पुराना बैज होगा, जितना पुराना लाइसेंस होगा, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, इफ यू हैव नो क्लेम बोनसेस, तो उससे आपकी इंश्योरेंस बहुत चीप आ जाती है। अच्छा मेरे अंकल है वो भी टैक्स चलाते हैं, उनकी इंश्योरेंस है लाइक 110 pounds अ मंथ। अच्छा मैं देता हूँ 280 pounds 275-280, तो बहुत फर्क है। तो सर अगर 1600 pounds आपने कहा उसके वीकली, तो 6400 समझ लें आपने बनाया मंथली, ठीक है उसमें से आपने खर्चा बता दिया कोई 2500 आपने खर्चा बता दिया, तो इसके इस लिहाज से फिर कोई एवरेज कोई मंथली कितना को फिर बन जाता आपका? सारे खर्चे निकाल के आप देखेंगे तो सिर्फ टैक्सी का खर्चा 2500 हाँ 3000 से ऊपर ही आप कमा लेते हैं 3100-3200 pounds मंथली जी, तकरीबन 3000 pounds टैक्सी कमाता है मंथली उसके लिए अपने लिए सारे खर्चे निकालने के बाद। चले वेल डन है फिर तो 3000 pounds बचता है। उसके बाद फिर सिर्फ यही नहीं होता, ये तो कहने की बात होती है, लोग समझते हैं पैसा दरख्तों पर लगा, ये टैक्सी चलाना कोई इजी काम नहीं है, इसमें बहुत आपको केयरफुल होना पड़ता है ऑल द टाइम, माय आईज आर ऑन द मैप, मैंने अपनी स्पीड को देखना है, रोड के ऊपर कोई बच्चा तो नहीं आ रहा, फिर उसके बाद ट्रैफिक लाइट्स ये वो, पीछे कस्टमर बैठा है उससे भी उसको एंटरटेन भी करना है, उसको बातें भी उससे बातें भी करनी है, तो काफ़ी आपको केयरफुल रहना पड़ता है ऑल द टाइम। ये देखें गुजर रहे बच्चे, ठीक है इनको इनके ऊपर नजर रखनी पड़ती है, बच्चे रोड के बीच में आ सकते हैं, ये है वैसे इनका हमें ख्याल रखना पड़ता है, तो फिर हॉस्पिटल हैं स्कूल्स हैं उनके पास आप गुजरो, यू नीड टू कीप योर स्पीड लाइक 20 miles per hour, मेक श्योर आपकी स्पीड उससे एक्सीड ना करें, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इसमें। बाकी इसमें यार पैसे बचते हैं, अगर आप काम करें पैसे बचते हैं, काफी अच्छा काम है। नहीं वैसे ये तो है कि हर काम मेहनत मांगता है, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा सर आप इससे पहले बता रहे थे कि सामने बच्चे भी आ जाते हैं, देखना पड़ता कोई पैसेंजर सामने ना आ जाए, तो सर टैक्सी के दौरान आपको मुख्तलिफ किस्म के करेक्टर मिलते होंगे, कुछ मतलब कि सीरियस और कुछ आपको फनी करेक्टर भी मिल जाते हैं, तो सर कोई इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी तो सुनाएं जरा। ना पूछो भाई, रोज ही मिलते हैं इस तरह के, तो मैं रोज 20-22 जॉब पे करता हूँ, उसमें एक आधा। अच्छा सर सुनाएं एक आधा जरा, अभी ये वीकेंड की कहानी सुना। तो मैंने एक जॉब बुक की, अच्छा कस्टमर को उठाया, उसने मुझे कहा जी टेक मी हियर, पता नहीं कितने जाना था, 8 pounds की जॉब थी, मैं ले गया, कहता ब्रो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम जस्ट गोइंग इनसाइड द हाउस राइट, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। अब मैं उसका वेट कर रहा हूँ, उसके 8 pounds के लिए मेरे 5 minutes गुजर गए, 6 minutes गुजर गए, मैं फ़ोन करूँ उसको फ़ोन ना उठाए, मैंने कहा अरे जी भी साहब एक तो वीकेंड है, इतना बिजी टाइम है, मैं इसका वेट कर रहा हूँ, वेटिंग चार्ज डाल लो कितना 30 rupees per minute होता है, लेकिन मुझे आया गुस्सा, मैं फ़ोन करूँ फ़ोन नहीं उठाया, मैंने कहा ये नहीं आएगा, मैंने जाकर घर की बेल बजाई जिस घर में गया था, मदद ने की लड़की, मैंने कहा अभी लड़का आया अंदर, वो उसने टैक्सी का फेयर नहीं दिया, 8 pounds बने, मैं 15 minutes से वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, वो असल में क्या था लड़की से मिलने के लिए डेट पर। अच्छा वो लड़की और उसकी लड़के की आपस में लड़ाई होगी, उसने कहा यू डोंट इवन हैव इनफ मनी टू पे द ड्राइवर, लड़की ने मुझे 20 pounds का नोट दिया, मैं कहा बेटे मैंने मेरा टाइम तो बर्बाद किया लेकिन तेरी लड़ाई मैंने करा दिया। हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं भाई, हमें पैसे तो हमने और भी काम करना है, इतना टाइम थोड़ी होता किसी के घर के बाहर 15-15 minutes वेट करें। अच्छा सर मैंने सुना टैक्सी चलाने के लिए कोई बैज लेना पड़ता है, ये बैज क्या जी? बिल्कुल देखें आप इस तरह, ये पाकिस्तान नहीं है ये यूके है, पाकिस्तान में तो यह जी आपने काले रंग की गाड़ी ली तो चलो जी टैक्सी चलाना शुरू कर दी, यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर आपको काउंसिल के अंदर, किसी भी काउंसिल के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद वो आपका उसके मुताबिक सारी डिटेल्स वगैरह आपकी चेक करते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई आपके ऊपर जो है चार्जेस तो नहीं लगे हुए। अच्छा उसके बाद एक टेस्ट होता है, वो आपको टेस्ट भी पास करना पड़ता है। वो मुश्किल होता है? इतना मुश्किल नहीं, वो रूट टेस्ट है, बेसिकली आपको रोड्स की नो होनी चाहिए कि आप सपोज आपको कोई बंदा कहते हैं टेक मी टू द मॉरिसन,
आपको पता होना चाहिए कि नियरेस्ट मॉरिसन किधर है। अच्छा, तो आप बजाय इसके कि मैप में लोकेशन डालें, आप टाइम वेस्ट करें, आप सर कस्टमर बैठे साथ इसको लो, आप ड्रॉप करो, तो वो बेसिकली नो हाउ स्कूल्स किधर हैं, पुलिस स्टेशन किधर हैं, नहीं जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं उनका आपको पता होना चाहिए। तो वो रूट टेस्ट होता है, रूट्स के नाम पता होना चाहिए, वो इतना मुश्किल नहीं। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये वो बंदा भी कर सकता है जिसकी इंग्लिश इतनी बेहतर ना हो। जी, तो वो टेस्ट पास करने के लिए इंग्लिश तो लाजमी है। इंग्लिश लाजमी है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ना, कि मतलब के बेसिक लेवल की, बेसिक थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको, उसको रोड्स के नाम पता होना चाहिए, उसमें इतना को वो थोड़ी है। और ये बैच के लिए कोई ना कोई फीस भी होती होगी? जी बिल्कुल, फीस है इसकी तकरीबन 250 पाउंड फीस है। अच्छा, बैच की। और अगर आप बैच लेते हो तो लाजमी नहीं है कि आप अपनी टैक्सी भी लो। अच्छा, आप टैक्सी रेंट पे भी ले सकते हैं। अच्छा, आपने अगर बैच ले लिया, सपोज काउंसिल से आपको बैच मिल गया, तो उसमें एक महीना लगता है ऑलमोस्ट बैच लेने में। अच्छा, एक महीने बाद आप चाहते हो कि यार आप फौरन काम स्टार्ट करें, तो आप किसी भी टैक्सी कंपनी से या प्राइवेट लोगों की भी हैं गाड़ियां, उनसे आप रेंट पे ले लें गाड़ी। क्योंकि पहले एक चीज होती है बैच, वंस यू गेट द बैच देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द प्लेट्स। अच्छा, तो आप कोई भी गाड़ी टैक्सी भी नहीं चला सकते, वो गाड़ी चेक करते हैं, गाड़ी को उनकी रिक्वायरमेंट्स पे उतरना पड़ता है कि अच्छी लेटेस्ट गाड़ी हो, सीट्स बड़ी हो, कंफर्टेबल कार हो, तो इस तरह का वो चीजें देख के फिर आपको प्लेट्स इश्यू करते हैं, वो प्लेट्स आपकी गाड़ी पे लग जाती हैं। अच्छा, तो प्लेट्स की फीस है 400 पाउंड। अच्छा, तो जब आपके पास लाइसेंस आपके पास आ गया, आपने काउंसिल से ले लिया, उसी काउंसिल से आप बैज अप्लाई प्लेट्स लोगे, बैज आपके आपके पास प्लेट्स आ गई, अब वो प्लेट्स आप गाड़ी पे चिपकाएंगे, अब आपकी गाड़ी बन गई टैक्सी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप इसके ऊपर एक लेंगे रेडियो, बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट हायर, टैक्सी नहीं है। टैक्सी में और प्राइवेट हायर में फर्क ही होता है सर। टैक्सी आप उसे कह रहे हैं, ब्लैक कैब को कह रहे हैं? जी जी। अच्छा जी जी। इसमें और इसमें फर्क ये है कि वो रोड के ऊपर कोई भी उसको हाथ देकर रोकता है, वो किसी भी जगह से जॉब उठा सकता है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में होता है। जी बिल्कुल, सिटी मारी टैक्सी रोक दी। अच्छा, वो ब्लैक कैब वाले होते हैं? ये ब्लैक कैब नहीं है, उसको ब्लैक कैब बोलते हैं, टैक्सी बोलते हैं, ये है प्राइवेट हायर। अच्छा, इसके हमारे डोर पे भी स्टिकर लगा होता है, प्री बुक ओनली। अच्छा, इसको आपको फोन करके पहले से बुक करना पड़ता है, जितना भी आपने बुक की, आपने फोन करके बुक किया, मैं आया हूँ आपके पास, आपके नाम कुछ है, आपके नाम की टैक्सी। तो सर ब्लैक कैब के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फिर? उसके लिए जो है वो थोड़ा सा टफ है टेस्ट, उसके टेस्ट ऐसे ही है उसका प्राइवेट हायर की तरह के, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा मुश्किल है, तो वो थोड़ा उसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, हर बंदा वो पास नहीं कर सकता। उसके लिए आपको रोड्स के नाम याद होने चाहिए, इसमें तो आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए ना। अच्छा, उसमें आपको स्ट्रीट्स के नाम पता होने चाहिए, रोड्स के नाम पता होने चाहिए, वो थोड़ा सा टफ है। अच्छा सर, ये जो बैज है जी, ये रिन्यूअल कब करवाना पड़ता है और इसकी फीस कितनी है? हर 3 साल बाद। अच्छा सलमान भाई, आप लोगों की रूटीन क्या होती है? मैंने सुना कुछ दिन आपके काफी क्वाइट होते हैं और कुछ दिन काफी बिजी होते हैं। भाई जान, ये तो देखें अल्लाह की देन है, लेकिन होता ये है कि वीकेंड सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। अच्छा, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है। अच्छा, और उस दिन सब लोग बाहर निकलते हैं, कोई रेस्टोरेंट जा रहा है, कोई मूवी देखने जा रहा है, कोई पब जा रहा है, क्लब जा रहा है, वीकेंड्स बिजी होते हैं। लेकिन एवरी डे लाइक मंडे भी बिजी होता है। अच्छा, मंडे को सुबह में निकलता हूँ तो मंडे को अल्लाह के करम से बन जाते हैं 200 का मैंने टारगेट रखा होता है, 200 पाउंड बन जाते हैं मंडे को। अच्छा, ट्यूजडे क्वाइट डे होता है, ट्यूजडे को इतना काम नहीं होता, इतनी जॉब नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, ट्यूजडे को आप हिसाब लगा लें 150 पाउंड बन जाता है। अच्छा, और इसी तरह वेनेसडे को 200 पाउंड बना लिए, थर्सडे को मैं 200 से ज्यादा बनाता हूँ, 250 का टारगेट रखता हूँ अपना। अच्छा, फ्राइडे को 300 का टारगेट रखा होता है। अच्छा माशाल्लाह, तो उसके बाद सैटरडे नाइट होती है, उसको तो मैं पूरा दिन लगा के काम करता हूँ 14 घंटे, तो सैटरडे को मैं अल्लाह के करम से 400 पाउंड बनाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, अब बाय द टाइम यू रीच सैटरडे आप। अच्छा सलमान भाई, गाड़ी अपने लिए तो फायदा है कि किसी कंपनी के लिए काम करे और कंपनी आपको गाड़ी दे तब फायदा? अच्छा भाई जान, फायदा आपको अपनी गाड़ी पे ही होगा। अच्छा, क्योंकि अगर आप कंपनी की गाड़ी लेते हैं, सपोज यू गेट अ बैच, बैच लेने के बाद आपके पास अपने पैसे अभी स्टार्ट है, अभी पैसे नहीं है, आप कंपनी से गाड़ी रेंट पे लेते हो, तो उसका रेंट 800 पाउंड मिनिमम जो है पर मंथ। अच्छा, 800 पाउंड पर मंथ है, 200 पाउंड वीक का, तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी ले लो। मैंने अपनी गाड़ी ली भी, इसका 318 पाउंड महीने की किस्त है। हाँ सर, अगर आप 800 पाउंड दे दें तो पीछे बचेगा क्या? वही ना, पीछे आपको बचते ही कुछ नहीं, तो फायदा नहीं है कंपनी के लिए काम, वही आपको कुछ भी नहीं, आप हैंड टू माउथ हो। अब देखिए, मैं अपनी गाड़ी 318 पाउंड में इसके मंथली देता हूँ, वो क्या इंश्योरेंस है मेरी 275 पाउंड की, 500 पाउंड हो गया, फिर भी जो 800 देना है 800 पैसे से बेहतर मैं 500 पाउंड दे रहा हूँ, 300 पाउंड फिर भी बचता है। अच्छा अच्छा महीने का। सर इसमें से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इनमें से कौन कौन से जो एक्सपेंसेस या खर्चे हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं फ्यूल मनी गवर्नमेंट से? सिर्फ फ्यूल मनी बस, और
कोई भी जो से एक्सपेंस है वो कोई आप गवर्नमेंट से क्लेम नहीं कर सकते। अब होता ही है कि जब हम अकाउंटेंट रखते हैं ना अपना, ओवरऑल अगर आपको मैंने बताया कि आप 6,000 pound का मंथली काम करते हैं, तो उसमें से अब रेडियो का खर्चा भी तो है, रेडियो के पैसे भी देते हैं, गाड़ी की वो इंश्योरेंस भी देते हैं, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी देते हैं, फिर उसके बाद फ्यूल डलवाते हैं, तो ये सारी चीजें अकाउंटेंट आपकी डिडक्ट करता है। अच्छा, कि आप 6,000 pound अपनी जेब में तो नहीं डालता, उसमें से खर्चे भी तो होते हैं, और एट द एंड आपने अकाउंटेंट को भी पैसे देने हैं। बिल्कुल, उसको भी 200-250 pound देना होता है साल का। तो उसके बाद फिर गाड़ी की MOT है, ये गाड़ी के अंदर काम भी होता है, जब चलती है इसमें नए टायर डलते हैं। अच्छा जी, तो इसकी सर्विस होती है, साल में 2 दफा सर्विस होती है, कभी मैंने सर्विस कराई है 140 pound की। तो ये सारे खर्चे अकाउंटेंट डिडक्ट करता है। और MOT के सर कितने लग जाते हैं आपके? MOT डिपेंड करता है गाड़ी में काम कितना है, तो मेरी नई गाड़ी इस पर लगे शुक्र है कोई काम नहीं होता। तो ये सारे खर्चे डिडक्ट करने के बाद जो आपके पैसे बचते हैं फ्यूल वगैरह निकालने में, उस पे आप टैक्स देते हो। आप 6,000 pound पर टैक्स नहीं देते, 6,000 pound पर टैक्स दें तो मैं तो जैसे कपड़े। हाँ नहीं, ये तो है सर। अच्छा सर, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में होते हैं कि वार्डन बड़े तंग करते हैं और रोके कहते हैं, कभी आपके साथ इस तरह हो रोके का होके सर 10 pound दे दो, 15 pound दे दो? भाई जान, मैंने तो आज तक वार्डन देखा ही नहीं। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन तो मैंने देखा ही नहीं आज तक, पुलिस वाले मैंने देखे हैं, वार्डन तो मैंने देखा ही नहीं। तो इधर कोई तंग नहीं करता? कोई नहीं तंग करता, इजी होके आप टैक्सी चलाते हैं? बिल्कुल इजी होके चलाते हैं, जरूरत ही नहीं है। सब बंदे आप इंसानों के अंदर जो है ना तालीम याफ्ता लोग हैं, मैनर्स हैं इन लोगों के अंदर, ठीक है। अभी वो बंदा खड़ा है, मैं गाड़ी रोकूंगा ना तो वो आगे मुझे सलाम करके जाएगा। अच्छा, मैं उसको रास्ता दूंगा, सब लोग आपको रास्ता देते हैं, भाई पहले आप वाला रूल है यहाँ पर। तो वार्डन की तो हमें जरूरत ही नहीं यहाँ पर, वो ट्रैफिक लाइट लाल हुई है सब रुक जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, वो बुढ़ी रास्ता क्रॉस कर रही है, ठीक है, उसके लिए गाड़ियाँ रोकती सब ने। तो मैनर्स बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। देखें अभी तो वो ऑरेंज हुई लाइट, उसने रोड क्रॉस नहीं किया, ये अब उसने क्रॉस किया, ये बुढ़ी ने क्रॉस कर ली रोड। तो हमें यहाँ पुलिस की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कभी अल्लाह ना करे कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए तो उसके ऊपर पुलिस वाले आते हैं, अब अदरवाइज कभी वार्डन ने रिश्वत का तो सवाल ही पैदा नहीं था भाई, पाकिस्तान थोड़ी है। अरे सर, लास्ट सवाल बता दें कि ना आखिर में इस सर बिजनेस के या आप जो जॉब कर रहे हैं इसके कुछ ना कुछ तो नुकसान या कोई डीमेरिट्स वगैरह तो होते होंगे? जी भाई, टैक्सी के अंदर ये है। सर लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ इस बिजनेस या जॉब के कुछ ना कुछ नुकसान तो होंगे, डीमेरिट्स वगैरह, तो सर वो क्या है आपकी नजर में? अच्छा, इसमें जो है भाई टैक्सी ड्राइवर की जो है ना सोशल लाइफ कोई नहीं होती। अच्छा, हैव अ सोशल लाइफ, ठीक है। आप अपनी गाड़ी पे निकले हैं, आप गाड़ी में उठा रहे हैं कस्टमर को, उठाए एक को उठाया दूसरे को उठाया, ड्रॉप किया, दैट्स इट, थोड़ी देर गपशप मारी, बात खत्म, ठीक है। तो उसके बाद आपकी कमर में दर्द हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेसफुल जॉब है, आज काम है कल नहीं है काम है। मैं तो अक्सर ख्वाब में भी जॉब कर रहा होता हूँ, यकीन करें मैं रात को सो रहा हूँ, मैं रात को ही बंदे ड्रॉप करता हूँ, कल रात को मेडन पर गया पता सोता। अच्छा, तो आप एवरी डे काम करके वो आपके जेहन को अफेक्ट करती है। और कोई कस्टमर उस तरह के आते हैं जिस तरह आप ड्रंक कस्टमर आ गया? बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, और इस अगर कोई मसला? बिल्कुल होता है, वीकेंड के ऊपर तो सारे ड्रंक होते हैं, पूरी दुनिया टूनी हुई होती है यहाँ पर। अच्छा, तो उसमें बस यही नुकसान होता है कि अगर आपको केयरफुल रहना पड़ता है कि अगर आप देखें किसी को उठा लें ड्रंक है, अब वो उसे बोला तो जा रहा नहीं है। हाँ, वो कोई एड्रेस बताए तो आपको रोड्स का इतना पता होना चाहिए कि वो किस जगह जाना चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा उसने बोला वो ड्रंक, उसकी समझ भी नहीं लग रही, अपने मुताबिक उसको थोड़ा एंटरटेन भी करना पड़ता है, गाने वगैरह लगा दो, चलो एंजॉय करते रहो। तो सर इस तरह होता है कि फर्ज कर लीजिए वो ड्रंक है, ठीक है, उसकी तो होश कोई नहीं, और कल वो फोन कर दे या पुलिस को कंप्लेन कर दे कि टैक्सी ड्राइवर ने मेरे साथ ये कर दिया है, या मेरी मोबाइल रह गया गाड़ी के अंदर, कोई भी झूठा क्लेम डाल दे आप पे, फिर झूठा क्लेम तो नहीं। खैर, असल में होता ही है कि जब बंदा इतना ड्रंक होता है तो हम टैक्सी ड्राइवर उसको उठाते ही नहीं है पहली बार। अच्छा भाई, ना पियो इतनी, ठीक है, हम की जिम्मेदारी लें। हाँ, तो जो ड्रंक हो ना बंदा ज्यादा, तो उसको तो मैं उठाता ही नहीं, मैं तो शक्ल देख के मैं कहता नहीं भाई इसको नहीं उठाना, रॉन्ग नंबर है। जो नॉर्मल थोड़ा बहुत ड्रंक होता है उसको मैं उठा लेता हूँ, सोते तो सारे ही हैं लेकिन जो बिहेव करें, तो उसमें ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है लेकिन अब ऐसा नहीं होता। गाड़ियों के अंदर CCTV कैमराज लगे होते हैं, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ छोड़ के जाओ भाई अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ के जाओ। मेरे पास चीज़ें आती हैं, कितने लोगों ने, अभी 2 phone मेरे पास अंदर पड़े, पुलिस स्टेशन जाऊँगा जमा करा दूंगा। अच्छा सलमान भाई, थैंक्स अ लॉट, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है हमें, अल्लाह आपको मजीद तरक्कियाँ दे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। टैक्सी कब ले रहे हो फिर आप? सर ये तो मेरे व्यूअर्स पे छोड़ा हुआ कि जिन जिन का दिल करे वो ले ले। अच्छा 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 अच्छा, नहीं बाकी मैंने आपको सब बता दी, इसके इन भी बता दी, आउट भी बता दी, बाकी अच्छा काम है, जो करना चाहता है करे। बिल्कुल सर, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सर, खुदा हाफिज़।